राजस्थान विश्वविद्यालय में आज मुख्य द्वार पर उपस्थित सभी संगठनों विद्यार्थी साथियों, आपका जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम का विषय है उसको लेकर आप अभी कुछ दिनों से उसकी डेट को आगे करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, परीक्षा की तिथि को आगे करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और इस विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ और सारे विद्यार्थी साथियों का मैं आप सबका शुभचिंतक भी हूँ और खुद भी मैं अपने आप को अभी भी विद्यार्थी की तरह ही समझता हूँ और मेरी भी मंशा ऐसी है कि आप जो संघर्ष कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले और ये जो जायज मांग आप सब लोग लेकर के चल रहे हो इसको राज्य सरकार भी आपकी बात को माने, आरपीएससी आपकी बात को माने, इसका व्यक्तिगत रूप से मैं भी समर्थन करता हूँ। हाल ही में मैंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के टिकट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनकर के शाहपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। बहुत सारे नौजवान साथी विद्यार्थी साथियों ने चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की और हमारी मदद करी और जो पहले की भाजपा सरकार थी जिसने इसको छात्र विरोधी युवा विरोधी सरकार, इस सरकार ने कभी भी छात्रों की नहीं सुनी, कभी भी युवा साथियों की नहीं सुनी और बीजेपी के 5 वर्ष के कार्यकाल में बने गए। कोई भी भर्ती गई तो वो कोर्ट में अटक गई और जो विद्यार्थी साथियों के साथ में जो अत्याचार हुआ तो पूरे भाजपा के 5 साल के राज में हमें सबको देखने को मिला। इस आपके विषय पर मेरी भी व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की लीडरशिप और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक हमने भी हमारी बात पहुंचाई है, उच्च स्तर पर इस बात का डिस्कशन भी हो चुका है और अब निर्णय आना बाकी है। मैं भी आशा करता हूं कि निर्णय आपके पक्ष में आए, छात्रों के पक्ष में आए और हम लोग पुनः एक बार मैं आपसे मिलने आया हूं तो पुनः एक बार जिम्मेदारी के साथ में हम कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी आपके साथ से निकले हुए विद्यार्थी साथी प्रयास करेंगे आपके एग्जाम की तिथि आगे बढ़े, ऐसा हमारा व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथियों का ये प्रयास रहेगा। अभी जो उच्च स्तर पर आरपीएससी और सरकार के बीच में जो विचार विमर्श हुआ है उसका निर्णय आना बाकी है, हमारा ये प्रयास है और आप सब लोगों का जो मेमोरेंडम है वो सरकार तक, बार सीएम साहब तक और उप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुका है। आप लोग कई बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, 6 बार मिल चुका हूँ भाई साहब, मैं कई बार ही बोल रहा हूँ आप बहुत बार मिल चुके हैं और हम लोग भी वापस कल एक बार पुनः प्रयास करेंगे। आज भी मैं जब आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मैंने भी, लेकिन हम आशा करते हैं और एक बार पुनः प्रयास करेंगे कि आपके पक्ष में फैसला है, छात्र हित में फैसला है और इस एग्जाम की तिथि आगे बढ़े, ये व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रयास रहेगा। ये आश्वासन मैं आपको देने के लिए आया हूँ और आप सब लोग और बहुत सारे चेहरे मुझे पुराने नजर आ रहे हैं तो मैं इनको भी कह रहा हूँ भाई विश्वविद्यालय का पीछा छोड़ो, अब सरकार की नौकरी लगो और अच्छे से आपके करियर में आपको सफलता मिले। हमारा 9001 6 7 5 0 5 तो राजस्थान बने 2 9
बहुत बढ़िया, डेढ़ बनने के बाद प्रेस नोट होने के बाद भाई साहब अपने फेवर में ही हम भी आपके संघर्ष को समझ रहे हैं। एक बार वापस हम लोग भी कल ये प्रयास करेंगे और मिलकर के आंदोलन पर बैठता है तो उसकी पीड़ा क्या होती है, मैंने भी